मैं पागल हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। अफजल खान की सौवा जैद करके मैं पागल हो गया हूँ। इस वक्त यदि मेरे सामने कोई मुगल आ जाए तो उसकी बजिया बनाकर उसकी चंडी से एक साथ खा जाऊंगा। हर एक मुगल को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, पर यहाँ कोई मुगल ही नहीं है। यहाँ मुगल मैं मर गया हूँ। तू जा मेरे बाप, जा तू। हाँ, नाटिका में आरंभ होने वाली है। ओए, अबे क्या कर रहा है? कहीं जिस बच्चे के पीछे शमशेर भाग रहा है उसने ये लाश तो नहीं देख ली? गोटिया, तू तू कहाँ रह गया था? वो बाहर प्रहरी का संवाद सुना रहा था। बाजी कहाँ है? वो तो मंच पर होगा। हम अफजल खान हैं। और भाईजान जल्दी चलिए, जल्दी 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 चलो चलो। जीवन काका, क्या हो रहा है? क्या हुआ इन्हें? काका, अरे आसपास देखिए, शत्रु किसी भी भेष में हो सकता है। अरे वाह, फिर से घुमा के बात कही है। शत्रु कभी आलस कभी डर के भेष में होता है। इतने कम आयु में इतने उच्च विचार, वाह। अरे सर मत हिलाओ, आस पास देखो। क्यों, तू जीजा माता है? भाऊ, ये कौन सा समाज बोल रहे हो? बिल्ला 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 कोटिया। अब आपके सामने वो प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा जहां अफजल खान ने आदिलशाही दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया था। कोटिया, खान है और हमने ये निश्चय किया कि हम ये बीड़ा हम नहीं उठा सकते। हमें नहीं खाना ये पानवान, ये बच्चों के लिए बुरा होता है। अगर मैंने इसे खाया तो मेरे भी दांत नीलू काके जैसे हो जाएंगे। भाऊ, संभालो अपने अफजल खान को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अगर ऐसा कुछ है, अगर सच में कोई अनिष्ट होने वाला है तो कृपा उसे रोकने में मेरी मदद कीजिए। हुजूर, बात निकल गई है, अब आग कैसे लगाएंगे? तो दूसरी रात घुमा फिरा के लगाओ और उसका होशो किसी को दिखाई ना दे और उस पर सूखे पत्ते डाल दो और जैसे ही आग लगे मुझे इशारा कर देना। जाओ। तुम हमारे सामने मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो पर तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा है। जब वो कह रहे तेरे इरादे गलत है तो गलत है, अपने असली इरादे बोलना जो कल से बोल रहा है। पकड़े जकड़े जकड़े पकड़। नहीं नहीं जीजा माता, हम एक नहीं करना चाहते हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण को पकड़ जकड़ जकड़ पकड़ करना चाहते हैं। हम
के साथ मिलके मुगलों से लड़ना चाहते हैं। हम तो उनके भक्त हैं, मन से बड़ा शरीर से गाढ़ा, भोला भाला वाले को। अफजल खान हूँ, ये याद रखो गोटिया कि तुम अफजल खान हो। हाँ आई, अब मात्र आई ही मेरा इशारा समझ सकती है। आग लगाने से पहले जान लो, ये आप तुम इस बारूद में नहीं पूरे मुगल सल्तनत की चिता में आग लगा रहे हो। और अगर इस बारूद से हमारी माँ का सीना चल गया ना, तो याद रखना यहाँ पे धुआं नहीं, इस मिट्टी का अभिशाप उठेगा। और माँ का ना आशीर्वाद खाली जाता है ना अभिशाप। ऐसे क्यों भाग रहा है? तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, पहले नाटिका पूर्ण करो। अच्छी खासी लंबी है, हम यहां से सलामत निकल जाएंगे। और उसके बाद ये पंडाल बूम। चलो साथियों। तेज नहीं भाग पाएगा, कुछ ही पल में यह जगह बारूद से उड़ जाएगी। चलो साथियों।
भाई तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाजी, लेकिन ये आग ऐसे नहीं बुझेगी, पानी से बुझानी पड़ेगी, जा जाके पानी लेके आ। आए, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो क्या करें? तुम लोग इन्हें आशीर्वाद देते रहो, हम देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। गोटिया भाव, मेरी भाव को कुछ मत होने देना। हाँ कभी। भाव जल्दी जाओ। विश्व परशु, चला मजा भरो। आई, तू एक काम कर, तू अंदर जाकर लोगों को बाहर निकाल। इतना समय नहीं है बाजी, जा पानी लेके आ। वो मुझे भी बताया है, पर फिर भी तो जाना। क्योंकि मैं कह रहा हूँ जाना। आई या आई लोग कुछ समझते क्यों नहीं है? बाजी, हमारे पास समय नहीं है। अरे ठीक है, मत जा, पर पीछे हट जा और मुंह मोड़ कर खड़े हो जा। क्या करने वाला है तू? अरे आई, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहस मत कर। हाँ, किसी भी समय भारत तक पहुँच सकती है। आई मुड़ जा। क्या करने वाला है बाजी? मेरा विश्वास कर आई, सब सही हो जाएगा। बस तू देखना मत कैसे सही हो।